होगा, यूसेज इसका होगा, तो वहां पर बिजली का भाड़ा देगा। और अगर यही लव अकाउंटेंसी और फाइनेंस की फील्ड में जाएगा तो क्या देगा? चलता हुआ ये माना जाएगा, है ना, ये उसूल और जाप्ता है। इस तरह एक और लव देख लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भाई बाइबल, और जो सुनिए बाइबल, किसी बात को समझाने के लिए वरना गलत मफहूम न ले इसका, और मेरी जुमले का कोई बीच में से कट करके न ले, जैसा मैं बयान कर रहा हूँ आगे से पीछे से पूरी तरह समझ ले। अगर मैं कहूँ कि बाइबल कुरान है इन जनरल, आप क्या कहेंगे? बेवकूफ हो गया, बाइबल कुरान थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ भाई आप मुझे समझे नहीं, मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मैं डिक्शनरी मीनिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो कुरान कहते हैं बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, और नावेड है आजकल जो बाइबल बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही है। यहाँ मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा समझ कर बाइबल को गैर मुस्लिम पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, उतना मुसलमान भी नहीं पढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब तो वही हो गई, है ना। इस तरह जो लुगवी मीनिंग है मैं उसको वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कुरान लफ्ज अब ये इस्तेलाह बन चुका है, ये एक टर्म बन चुका है, टर्मिनोलॉजी बन चुका है। अब सिर्फ उसका टर्मिनोलॉजिकल जो मीनिंग होगा वही लिया जाएगा। मतलब बात समझ आई? जो लफ्ज जब तक उसका लुगवी मीनिंग है डिक्शनरी, तब तक आप उसको जैसा चाहे इस्तेमाल कीजिए, कोई हर्ज नहीं। जब वो मुस्तमल माने में आएगा तो जहां जैसा जाएगा वैसा माना इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। यहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, यहां पर भी आपको सहूलत है। जब वो लफ्ज कोई इस्तेलाह बन जाता है, कोई टर्मिनोलॉजी जब वो बन जाता है, अब आप बाउंडेड हो गए, आप उसके महदूद हो गए, वही माना लेंगे जिसका वो माना है। ये उसूल आपको समझ में आ गया? एक लफ्ज तीन मराइल से गुजरता है अपने माने और मफहूम को जाहिर करने के लिए, एक लुगवी माना, दूसरा मुस्तमल माना, और तीसरा है इस्तेलाही माना। अगर कोई लफ्ज इस्तेलाह तक पहुंच गया और इस्तेलाह बन गया तो उसका माना वही लिया जाएगा जो उसकी इस्तेलाह है, न के लुगवी मीनिंग। इसकी बहुत अच्छी मिसाल मैंने क्या दिया, कुरान अब इस्तेलाह बन चुका है, इसका माना वही होगा जो इसकी इस्तेलाह बन चुका है। इसका माना है ये कुरान मजीद जो अल्लाह तबारक तआला ने नाजिल किया, उसके लुगवी मीनिंग इस्तेमाल करके हम इस लफ्ज का भी मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर ये उसूल समझ में आ गया है तो लफ्ज सुन्नत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मकसद हमारा असल सुन्नत लफ्ज ही को समझना है कि सुन्नत लफ्ज आखिर है क्या, इसका क्या माना मतलब। सुन्नत के तीनों मीनिंग देख लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि तीनों में सबसे अहमियत का हामिल कौन सा मफहूम है, है ना। पहले देखेंगे कि क्या ये दिन तीनों मराहिल से लफ्ज गुजरा है, अगर गुजरा है तो हमें कौन सा मीनिंग लेना पड़ेगा, कौन सा माना लेना पड़ेगा, तो तीसरे मरहले का है, यानी कि इस्तेलाही मीनिंग। सुन्नत का माना और मफहूम जो लुगवी है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, वो है तरीका, रास्ता। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में दो तीन जगह पे आयते कहता है कि अल्लाह की सुन्नत और आदत नहीं बदलती। सुन्नत का एक माना आदत का भी है, ला तब्दील अली सुन्नतिल्लाह। अल्लाह का कहता है कि तुम नहीं देख सकते कि अल्लाह की किसी सुन्नत में कोई तब्दीली हो, यानी अल्लाह तआला ऐसी आयतें उस मौके पर कहता है जब किसी कौम का अल्लाह तआला हलाक कर देता है, तो लोग उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हैं, अल्लाह इनको क्यों हलाक किया। अल्लाह कहता है ये अल्लाह की ही सुन्नत है, जब जब भी उनमें बिगाड़ पैदा हुआ, उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क करना शुरू किया और वहां के अहले असर हजरात गुर्र और तकब्बुर में जब भर गए, तो अल्लाह कहता है हर बार मेरी यही सुन्नत और आदत रही है कि मैं उन्हें तबाह बर्बाद कर देता हूं। अलग सुन्नत का अल्लाह ने वहां पर इस्तेमाल किया, वहां पर डिक्शनरी मीनिंग अल्लाह ने इस्तेमाल किया, कौन से डिक्शनरी। अब ये यूसेज की वजह से, यानी मुस्तमल माना होने की वजह से कुरान मजीद की उस आयत में सुन्नत का लफ्ज तरीका ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसका मुस्तमल माना क्या है लफ्ज सुन्नत का?
मुस्तमल माना क्या है। लफ्ज सुन्नत एक ऐसा लफ्ज है जो अरब जुबान में इसका यूसेज, इसका इस्तेमाल कभी डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से होता है, कभी इस्तेलाही मीनिंग से, कभी डिक्शनरी मीनिंग से होता है, कभी इस्तेलाही मीनिंग से। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये लफ्ज यहाँ पर डिक्शनरी मीनिंग से है, लुगवी एतबार से, और यहाँ पर लुगवी एतबार से नहीं है, या दीनी एतबार से है, शरी एतबार से, कैसे पता चलेगा? अगर लफ्ज सुन्नत को अरबी जुबान में किसी मकाले में, किसी मजमून में अगर इस्तेमाल किया जाए, किसी वाक्य को बयान करने के लिए, किसी खबर को देने के लिए, तो वहां पर लुगवी मीनिंग इस्तेमाल होगा। उसूल, जवाबित, अदिल्ला की जब बात होगी, दलाइल देने की जब बात होगी, शरीयत की जब बात होगी, तो लफ्ज सुन्नत इस्तेला में ही अपना माना देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ लफ्ज सुन्नत के ऊपर हम सुन रहे हैं, और ये मैं समझता हूं कि मैं आपके आगे सिर्फ 10% रख रहा हूं। कितना? क्योंकि कम वक्त में जितना आसानी से समझा जा सकता है उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 10% भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ऐसा होने मत दीजिए, ठीक है। लफ्ज सुन्नत कब लुगवी मीनिंग देता है और कब इस्तेलाही मीनिंग देता है? अगर वो आम हालात में अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो वो लुगवी मीनिंग देगा, जैसे अल्लाह तआला कुरान मजीद में खुद लफ्ज सुन्नत को डिक्शनरी मीनिंग में लुगवी एतबार से अल्लाह ने इस्तेमाल किया सुन्नत और तरीके के तौर पर। अगर ये उसूल, जवाबित और अदिल्ला के अंदर जब इस्तेमाल होता है लफ्ज सुन्नत, तो ये इस्तेलाह के तौर पर इस्तेमाल होगा, इस्तेलाह के तौर पर इस्तेमाल होगा ये लफ्ज।